जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन जगत जननी दामिनी दूति गाथा। नमस्कार दोस्तों, संगीत कला म्यूजिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग एक गौरी जी का स्तुति गीत सीखेंगे जो राजन जी महाराज जी गाए हुए हैं, और ये रिक्वेस्टेड गीत भी है कि राजन जी का गाया हुआ ये स्तुति गीत सीखना है हारमोनियम पर। तो आइए इसको आज हम सब हारमोनियम पर समझ लेते हैं किस प्रकार है। तो गाना चालू करने से पहले हम लोग इसमें स्वर समझ लेते हैं कौन कौन से लग रहे हैं और गाना कहाँ से कहाँ तक बज रहा है, फिर इसको नोटेशन के साथ में देखते हैं। मैं गाना प्ले करूँगा यहाँ से एफ शार्प तीसरी काली, ये मेरा सा रहेगा, सा रे कोमल ग म प और ध ध प म ग रे सा, नीचे के स्वर में कोमल नी, यानी इस नी से लेकर के इस ध तक इतना दूर में बच जाएगा। गाना चालू होगा यहाँ से सा का सपोर्ट लेकर के प से, कैसे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो इस प्रकार ये एक लाइन है और एक लाइन इसका अंतरम है, वो भी आसान है। आइए इसको समझ लेते हैं फिर अंतरा समझते हैं। अब जय पहला बज रहा है, जय सा प, जय जय प प गिरिवर प ध प म राज म प म ग कोमल ग म प म ग की रेशानी की सोरी, ऐसा हो रहा है की रेशानी सो नी सा रे ग सो री ग रे सानी, ऐसा हो रहा है। एक बार और देखिए, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 महेश, जय बज रहा है सानी, जय महेश महेश निसारे मुख गग चंद्र रेसा चकोरी, निसारे गग रेसा। तो ऐसा हो रहा है। अब इसी पर सेम टू सेम एक लाइन और बजता है, जय गज बदन खड़ा न माता जगत जननी दामिनी दूति गाथा। तो इसका भी सेम टू सेम नोटेशन है, इसको देखिए, जय गज
सा प प प सा प प प जय गज बदना पद पम खड़ा खड़ा म प म ग खड़ा नन रे सानी नन माता ने सारे गगरे सानी ऐसा हो रहा है। जगत निसा जननी रे रे सा ग का थोड़ा टच भी ले सकते हैं, कर्ण भी ले सकते हैं, नहीं तो रे रे सा भी बोल सकते हैं। जननी ऐसे ही बोल सकते हैं, जननी नहीं तो जननी रे रे सा दामिनी रे ग रे दूती सानी दूती गाथा निसारे गागारे सानी। इस प्रकार में जाते हैं तो इसका मुखड़ा वाला लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक लाइन केवल अंतर सीख लेना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी पर इस प्रकार के जितने भी चौपाई दुआ रहते हैं बहुत सारे इसी धुन पर बजते हैं, तो ये हमने तैयार कर लिया था, समझिए सारा उसी पर बजेगा। नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बस इतना एक लाइन ये सीख लेना है तो समझिए ये स्तुति तैयार हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है जितली देखिए, नहीं तब गरे सानी कोमल ग रे सा और नीचे का कोमल नी तीन स्वर चार स्वर गरे सानी नहीं तब आदि निसारे सा आदि मध्य निसा अवसान ऐसा हो रहा है। रे ग म ग रे सा ऐसी पर दूसरा लाइन अमित प्रभाव गरे सानी निसारे सा अमित प्रभाव वेद नहीं निसारे ग जाना गमा गरे सा। फिर यही आ जाएंगे भाव भाव विभाव परा पर कारिणी विश्व विमोहिनी सबस बिहारिणी। तो इसका अब नोटेशन सेम टू सेम वही हो जाएगा जो हम लोग बजाए, बस इसी प्रकार ये बज रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा, आप सब इसको तैयार करें और इसका आनंद उठाएं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।